हेलो दोस्तों, आप बहुत सारी वीडियोस बनाते होंगे YouTube के लिए, लेकिन एक हम मिस्टेक कर जाते हैं। वो मिस्टेक क्या है कि जैसे आप कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आप ऑब्जर्व करते होंगे कि उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा रहती है। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप उस वीडियो में नॉइस कैसे कम कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि आप नॉइस कैसे कम कर सकेंगे तो ये वीडियो देखते रहिए। पहला तरीका ये है कि आप जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपने खिड़की या दरवाजे बंद कर दीजिए, जिससे आपका 50% काम हो जाएगा। क्योंकि जब आप खिड़की दरवाजे ओपन रखेंगे तो वहां से नॉइस बहुत ज्यादा आएगी। दूसरा तरीका ये है, जैसे आपने कोई भी वीडियो बनाई तो एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिसका नाम है ऑडेसिटी। उस सॉफ्टवेयर से आप अपने वीडियो से नॉइस रिडक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऑडेसिटी डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जब उस लिंक पर जाएंगे तो ये वेबसाइट ओपन होगी ऑडेसिटी की, जहां पर आप विंडोज, मैक और लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप विंडो में जाइए, आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ऑडेसिटी ये लेटेस्ट वर्जन है, तो ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं। सेव किया। डाउनलोड होने के बाद जब इसे ओपन करेंगे दोस्तों, तो अपनी जो ऑडियो फाइल है जिसमें नॉइस और हिसिंग है, वो यहां पर ओपन कर लीजिए। जैसे ये वाली फाइल है, यहाँ पर आप सुन सकते हैं इस ऑडियो में कितनी नॉइस है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बैकग्राउंड नॉइस, जिसको हम हिसिंग कहते हैं या फिर सनसनाहट कहते हैं, उसको आप अपने ऑडियो से कैसे हटाएं। दोस्तों, जब आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर कोई भी यूट्यूब पे डालने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होती है। आप देख रहे हैं इसमें अभी भी बहुत सारी नॉइस है, तो इस नॉइस को कैसे रिमूव करें। तो दोस्तों, इस नॉइस को रिमूव करने के लिए इफेक्ट में जाइए और यहाँ पर एक प्रोफाइल है नॉइस रिडक्शन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्टेप वन आपको बता रहा है कि आप नॉइस प्रोफाइल पहले गेन कर लीजिए। तो गेट नॉइस प्रोफाइल करेंगे तो गेट नॉइस प्रोफाइल आपके ऑडेसिटी में आ चुकी है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेप टू पे कितनी आपको नॉइस रिडक्शन करनी है, 12 या 13, सेंसिटिविटी कितनी रखनी है और फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर रिड्यूस पे ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। कुछ ही सेकंड में आपकी नॉइस रिमूव हो जाएगी। चलिए इसको दोबारा सुनते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बैकग्राउंड नॉइस, जिसको हम हिसिंग कहते हैं या फिर सनसनाहट कहते हैं, उसको आप अपने ऑडियो से कैसे हटाएं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमने नॉइस इस ऑडियो से रिमूव कर दी है। तो ऐसे ही आप जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो आप अपने वीडियो से नॉइस रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने वीडियो से नॉइस कैसे रिडक्ट कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। हम ऐसी वीडियोस और भी लेके आते रहेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।